हम तो लगातार सरकार बनाने के लिए 2 साल से हमने तो इतना भी कहा कि चाहे गठबंधन कर लो, गठबंधन के साथ साथ केवल मैंने कहा कि जो हमारे साथ हैं और जीतने वाले लोग हैं, जीतने समीक्षा कर लो, सर्वे कर लो, अगर हमारे साथ जो जीतने वाले लोग हैं उनको टिकट दे दो, गठबंधन कर लो, गठबंधन के साथ साथ अगर नहीं तो विलय कर लो। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में, मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उस विषय पर जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब हो रही है, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा, यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के आपसी संबंधों की चर्चा, सियासी संबंधों की चर्चा इस वक्त खूब चल रही है, लेकिन दोनों साथ नहीं आ पा रहे। शिवपाल यादव लगातार कह रहे हैं कि वो गठबंधन चाहते हैं, वो विलय तक चाहते हैं और उनका विलय हो जाएगा, उनका गठबंधन हो जाएगा। और यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि चाचा को पूरा सम्मान देंगे और चाचा के साथ बात बन जाएगी। लेकिन आखिर वो कौन सी बात है, कौन सी वजह है कि दोनों बोलकर भी एक नहीं हो पा रहे? सिर्फ एक बात जो इन दिनों शुरू हुई है वो ये कि दोनों के बीच संवाद शुरू हो गया है, दोनों के बीच संवाद शुरू हो गया है, लेकिन मामला वहीं अटका हुआ है। यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर, एक सियासी पेज पर नहीं आ पा रहे। इसकी वजह तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए चाचा का दर्द। आखिर चाचा चाहकर भी अखिलेश यादव के साथ नहीं आ पा रहे तो कह क्या रहे हैं? पहले सुनिए उनकी मांग क्या है, उनकी डिमांड क्या है और वो चाहते क्या है। हम तो लगातार सरकार बनाने के लिए 2 साल से हमने तो इतना भी कहा कि चाहे गठबंधन कर लो, गठबंधन के साथ साथ केवल मैंने कहा कि जो हमारे साथ हैं और जीतने वाले लोग हैं, जीतने समीक्षा कर लो, सर्वे कर लो, अगर हमारे साथ जो जीतने वाले लोग हैं उनको टिकट दे दो, गठबंधन कर लो, गठबंधन के साथ साथ अगर नहीं तो विलय कर लो। और मैंने एक बात तो इतना कहा, हमने कहा कि केवल हमें 100 सीटें दे दो, 100 सीटों के साथ साथ हम दूसरी पार्टी का जो लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, हम लोग सब लोग मिलकर के केवल 100 सीटें लड़ लेंगे, समाजवादी पार्टी 303 लड़ ले। हम तो चाहते हैं तुम 303 में 200 से ज्यादा जीत जाओ और हम लोग 100 में कम से कम हम 50 जीत जाएं तो सरकार तो बन जाएगी 202 ही में। और अब अखिलेश यादव को सुनिए, जो हर बार सवाल करने पर उनका जवाब क्या होता है। उनका जवाब ये होता है कि वो शिवपाल जी के लिए उनके पार्टी के हिसाब से जगह देंगे, उन्हें सम्मान देंगे, उन्हें सीटें देंगे, यहां तक कि उन्हें मंत्री भी बनाएंगे, लेकिन कब, कहां, कैसे होगा ये वो नहीं बता रहे। पहले सुनिए अखिलेश यादव का क्या स्टैंड है। जन्मदिन पर चाचा से समझौते की संभावना है? ए, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा समझौता जन्मदिन तो बाद में आएगा, हम तो आज ही कह दे रहे हैं कि उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। दरअसल शिवपाल यादव चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री या उसके साथ अगर कोई गठबंधन है तो वो कुछ ऐसा हो जिसमें शिवपाल यादव की न सिर्फ पुरानी हैसियत वापस आए बल्कि पार्टी के भीतर उनका जो कद था वो भी मिले। अगर ये नहीं हो सकता और गठबंधन होता है तो कम से कम उनके साथ आए वैसे लोग जो पार्टी से अलग होने, दल से अलग होने और नई पार्टी बनाने के वक्त उनके साथ आए थे, उन्हें समाजवादी पार्टी जगह दे, उन्हें टिकट दे। और यही वजह है कि उन्होंने 100 सीटों की मांग की है। 100 सीटें बहुत ज़्यादा हैं अगर मान भी लें, और उन्होंने ये कहा कि 50 सीटें वो जीतने की स्थिति में हैं, तो ये मान लीजिए कि कम से कम 3 दर्जन उनके पास ऐसे उम्मीदवार हैं जो बेहद ही मजबूत हैं, जो पुराने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अखिलेश यादव को छोड़कर बुरे दौर में शिवपाल यादव के साथ जुड़े हैं,
और ऐसे लोग जो अखिलेश के विरोधी भी रहे। शिवपाल यादव चाहते हैं कि इन सभी का एडजस्टमेंट हो, लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपने बयान से सिर्फ इतना इशारा कर रहे हैं कि उनके लिए शिवपाल यादव या उनके परिवार या दो चार लोगों के लिए उनकी जो उनका दिल है वो खुला है। यानी कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो ये परिवार का मसला है और परिवार के भीतर ही हल होगा, लेकिन अब ये परिवार से बाहर सियासी मसला है। बात अटक रही है सीटों पर। शिवपाल यादव ज्यादा सीटें चाहते हैं, शिवपाल यादव बड़ा कद चाहते हैं, और ये दोनों अखिलेश यादव देने के मूड में नहीं है। लेकिन दोनों के साथ एक संकट भी है। ये दोनों एक साथ आ तो नहीं पा रहे, लेकिन दोनों अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनके जो वोटर हैं वो चाहते जरूर हैं कि दोनों एक साथ आ जाएं, लेकिन इनके वोटर के बीच कोई ये संदेश देना नहीं चाहता कि वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। यानी कि अगर हम यादव मतदाताओं की बात कर लें और खास करके समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं, वो इन दोनों का एका चाहते हैं, लेकिन शिवपाल यादव ये नहीं चाहते कि उसमें कोई ऐसा मैसेज जाए कि वो अपने से अलग हो रहे हैं या वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते। अखिलेश यादव भी उसी कोर वोटर को ये मैसेज दे रहे हैं कि वो चाचा को लाना चाहते हैं, उनके साथ चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन वो भी ये नहीं चाहते कि शिवपाल यादव को उनका कद वापस लौटाया जाए, उनको वो हैसियत दी जाए, या उन्हें किसी तरीके से चुनाव के बाद इतना मजबूत हों कि उनके लोग ज्यादा जीत कर आए। ये ऐसी बातें हैं जो कि दोनों के बीच एक बुनियाद, लड़ाई की जो बुनियाद है या तनाव की जो बुनियाद है, ये बनी हुई है। यानी कि शिवपाल यादव किसी सूरत में अपने लोगों को नहीं छोड़ना चाहते, अपनी मजबूत सीटें नहीं छोड़ना चाहते, और अपने लोगों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से तो हर काम करने को तैयार हैं, अब बाकी सब कुछ अखिलेश यादव पर निर्भर है। यानी कि अगर ये गठबंधन नहीं होता है और अगर वो साथ नहीं जा पाते तो इसके गुनाह का ठीकरा उनके ऊपर ना फोड़ा जाए। अखिलेश यादव भी सियासी रूप से बेहद ही चतुर, सियासी रूप से बेहद ही बड़े खिलाड़ी हैं, और यही वजह है कि वो भी ये मैसेज नहीं देना चाहते कि वो चाचा को नहीं लेना चाहते, क्योंकि दोनों का कोर वोट बैंक एक है। और इसकी नाराजगी का असर कम से कम इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद ऐसे इलाकों में जहां परिवार और साथ साथ उनका वोट का आधार बहुत बड़ा है, वहां जरूर पड़ सकता है। पूर्वांचल के कुछ इलाकों में, बुंदेलखंड के कुछ जिलों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और खासकर उन इलाकों में जो कि यादव लैंड जाना जाता है, वहां पर शिवपाल यादव की मौजूदगी भी मजबूत है, दावेदारी भी मजबूत है, और ऐसी स्थिति में शिवपाल यादव के सामने विकल्प के तौर पर कम से कम समाजवादी पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो उसके साथ गठबंधन करने पर उनके लोगों को टिकट मिल सके। इसलिए उन्होंने जो साफ बातें कही हैं कि एक हफ्ते के बाद वो इस पर फैसला लेंगे, तो हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद शिवपाल यादव ये साफ साफ ऐलान कर दें कि अब अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन नहीं हो रहा, इसलिए वो अलग रास्ता तलाश रहे हैं, और अपने लोगों को ये मैसेज दे सकें कि इसमें उनका कोई दोष नहीं और इसका ठीकरा वो अखिलेश यादव के सर फोड़ें। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर शिवपाल यादव उनके कंडीशन पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आते तो वो खुद ब खुद अपना रास्ता देख लें। ऐसी स्थिति में एक बात साफ निकल कर हो रही है कि अब दोनों नेता चाह कर भी एक साथ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और मुलायम सिंह का जन्मदिन, जिसके बारे में महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस दिन दोनों एक हो सकते हैं, दोनों एक होना तो दूर, एक जगह पर भी दिखाई नहीं दिए। अब शिवपाल यादव कहाँ जाएंगे? क्या वो छोटे छोटे दलों को साथ लाएंगे? क्या किसी तरीके से बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या अभी भी कम सीटों पर अपने परिवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या वो अखिलेश तक वापस जाएंगे? इन तमाम बातों पर कयासों का दौर जारी है, और जब तक दोनों के बीच कोई साफ
फैसला निकल कर नहीं आता, ऐसी कयासें और ऐसी चर्चा चलती रहेगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।